फिल्म बहुत अच्छी है, मेरी आँख से अभी तक आंसू नहीं रुक रहे एक्चुअली, और सीरियसली बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और मैं चाहूँगा कि ऐसी फिल्म और भी बननी चाहिए। और जिस तरह के से इस फिल्म में जो कॉन्सेप्ट लिया गया, जो मैसेज दिया गया, वो बहुत अच्छा मैसेज है। और मैं सबको चाहूँगा कि आप लोग सब जाके थिएटर में इस फिल्म को देखिए ताकि आप सबको अच्छी लगे। सर कहानी के बारे में क्या कहेंगे, जो कहानी है? देखिए कहानी तो बताने लायक, मतलब अभी बताने लायक नहीं है इस टाइम पे, बताना क्या बताओ, लेकिन कहानी आप जब देखेंगे ना तो हर किसी के दिल को छुएगी ये फिल्म, ये गारंटी। सर 5 में से कितना स्टार देंगे आप? मैं पूरा दूंगा 5 में। इंस्पिरेशन है आने वाली जो यंग के लिए, उसको बताया गया कि भाई ध्यान रखो माँ बाप का। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत अच्छा काम किया है सारे एक्टर ने, ओंकार कपूर बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत कमाल का काम किया। तो मैं चाहूँगा कि सब लोगों से कहना चाहूँगा कि देखें वो फिल्म को, और बहुत अच्छी फिल्म है, फैमिली ड्रामा है। कहानी के बारे में क्या कहेंगे? कहानी तो मतलब कहानी तो हीरो है, बहुत अलग फिल्म है और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई फिल्म है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। सर 5 में से कितना स्टार देंगे? 5 में से 5। वेरी नाइस एंड वेरी इमोशनल फिल्म, बहुत अच्छा मैसेज है फिल्म के लिए जो फिल्म में दिखाया गया है। बहुत अच्छा काम किया सावरो ने, अच्छा काम किया ओंकार ने, मनोज जोशी ने, विजेंद्र काला ने, एवरीबडी हैज एक्टेड वेरी वेरी वेल इन द फिल्म। द फिल्म इज आल्सो वेरी इमोशनल, वेरी गुड रिगार्डिंग दिस। 5 में से कितना स्टार देंगे? 4 स्टार्स। सर जी मेरे लिए तो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है, हमने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की और फाइनली आज फिल्म आप लोगों की जनता की है। तो आई थिंक आप वेट करेंगे कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे जितना लोगों को यहाँ स्क्रीनिंग में पसंद आया। बाकी जनता मालिक है, आई थिंक हमने अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट फिल्म, एक सच्ची फिल्म बनाने की कोशिश की। डेफिनेटली बहुत ही ऑनेस्टली फिल्म बनाई है, हमें तो बहुत आनंद आया। सुधीश जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, पहली बार फिल्म डायरेक्ट की है, और डॉक्टर साहब ने पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की है, बहुत ऑनेस्टली फिल्म बनाई है प्रामाणिकता के साथ, और संवेदना डेफिनेटली जगाई गई है फिल्म, ऐसा विश्वास है। सर ये लोगों को अच्छी लगे, लोग फिल्म 26 तारीख को देखे लोग। सर ये मूवी बहुत पसंद आ रहा है सबको, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, बिकॉज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है और बहुत ज़रूरी मैसेज है जो हमारी समाज का ही है। और जितने लोग देख रहे हैं उन्हें वो बात का एहसास हो रहा है, एक इमोशनल जर्नी उन्हें फील हो रही है, और ये फिल्म आपके साथ रह जाएगी। सर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल 26 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके का रेस्पॉन्स है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सभी से मैं कहना चाहूँगा 26 तारीख को आप सभी लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघर में ज़रूर इस फिल्म को देखें, लाबास्त। शुक्रिया। बहुत अच्छे दोस्त है, ये प्रोड्यूसर है इस फिल्म के और बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है उन्होंने। हम यहाँ मैं करण हम सब आए हैं ताकि सब लोग यहाँ पर हौसला अफजाई करें और इसे कंग्रेचुलेट करें कि इंशाल्लाह और बेहतर। थैंक यू। यार बहुत अच्छी कहानी है यार, मैंने पहली बार ऐसी कोई स्टोरी देखी है, ऐसी इस विषय पे कोई स्टोरी देखी है, एंड इंशाल्लाह जस्ट विश दैट इट वर्क्स रियली वेल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है सबने, मनोज जी को हम जानते ही हैं और ओंकार ने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया है। ओंकार ने अब तक जितने भी आपने उनकी फिल्में देखी होंगी उसमें जो आई थिंक फर्स्ट टाइम इज डन समथिंग डिफरेंट रोल, और बहुत ही शिद्दत से किया है। मुझे लगता है आप लोगों को जब ये फिल्म देखेंगे तो बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि एक जर्नी दिखाई गई है, एक प्रेजेंट लाइफ, हमारी लाइफ दिखेगी इसमें, या मेट्रोज में खासकर हम जैसे लोगों की लाइफ क्या हो गई है। तो हमें इस फिल्म से बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही ट्रुथ बोल दिया गया है, सच्चाई बोल दी गई है। तो वी नीड टू थिंक। अविनाश तानिया, अविनाश प्लीज कम कम एंड एवरीबॉडी, आप और सुरेश भाई एंड एवरीबॉडी, ऑल द एक्टर्स आल्सो अमेजिंग वर्क। I think it was an emotional coaster. Ekdam correct amount of emotions and laughter. Everything was perfect. And congratulations to the whole team. I hope it does well. और आप सभी लवाज तो जरूर yes, अपने थिएटर में जाएं और देखें मॉम डैड के साथ, देखें मॉम डैड के ऊपर पिक्चर है। Yes, please. So yeah, please do watch the film. It's a family film.
यू शुड वॉच इट. फैमिली के साथ जरूर देखें. आई टू फील कि ऐसी फिल्में लोगों को और बनानी चाहिए, और डायरेक्टर्स को, और ऐसे कॉन्सेप्ट को उठाना चाहिए. रोहन को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इस लेवल तक लेकर आए. रोहन, यू डिड अ ग्रेट जॉब. एंड सुरेश जो इसके डायरेक्टर हैं, उसने मतलब सुरेश इज जस्ट लाइक माई यंगर ब्रदर, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. हम लोग सब उसे सपोर्ट करने के लिए आए हैं. नाच बढ़ गया. सो फॉर द बेस्ट. एंड इतना प्यार मिल रहा है सबका. मेरे को तो प्यार मिल ही रहा है, मैं तो चाहूँगा ऑडियंस का प्यार भर भर के मिले. पिक्चर अच्छी है. यस गाइस, अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है. लवास्ते तो जब ऑडियंस आएगी थिएटर में तो वही बताएगी, बट पिक्चर अच्छी है. पिक्चर अच्छी है, क्योंकि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बहुत फिल्में की है, जो खराब है वो खराब है, और जो अच्छा है वो अच्छा है. पिक्चर अच्छी है तो अच्छी है, खराब है तो खराब है, बट पिक्चर अच्छी है. कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा, कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा. यही उम्मीद है कि ऑडियंस आए थिएटर में. ऑडियंस अगर कॉन्टेंट देखना चाहेगी तो दिस इज द फिल्म which you should watch and like you should think about it. The message. Chale, bye. Thank you. Thank you guys.